बैचिंग प्लांट का पैनल है जो CP18 वर्जन C2 स्विंग स्टेटर का नया मॉडल है। इसमें हम ये बताएंगे हमें इसे रन कैसे करना है, यानी हम इसको चलाते कैसे हैं। ये हमारा PLC, यदि सेटिंग करना हो पहले प्लांट में तो इधर से खुलेगी। जैसे हमें माल चालू करना है तो हम पहले रेसिपी टच करेंगे, रेसिपी करने के बाद हमारा ये ग्रेड खुल गया रेसिपी। अब कौन सा लोड करना है हम इस पे लोड पे टच करेंगे, ये रेसिपी 15 M15 आ गया, इसको हम टच करेंगे, जो सा खुलना है ये सारा लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट पे हम क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये सक्सेसफुल कर दिया। कितना लोड करना है इधर टच करेंगे, प्रोडक्शन क्वांटिटी करके फिर इसको डाउनलोड कर लेंगे। हम डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड करने ये डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर लिए, ये सक्सेसफुल कह रहा है, सक्सेसफुल ओके कर दिए। अब हम होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। होम स्क्रीन आ गया ये। अब हमें ये देखना है हमारा प्लांट, ये कीपैड प्लांट हमारा स्किप डाउन होनी चाहिए, मिक्सिंग गेट क्लोज होनी चाहिए, प्लांट हमारा ऑटो में होनी चाहिए, तब हम स्टार्ट कर देंगे। और हम इसमें ये बताना चाहते हैं जैसा सेटिंग हमारा मटेरियल इन एयर, ये सारे इधर से ये वाला तीर का निशान है इस पर टच करेंगे, ये आगे आगे ये अलार्म जो अपना मैसेज आता है इस पर आगे टच करेंगे, ये आ गया मटेरियल इन एयर, जैक ऑन जैक ऑफ टाइम सेटअप टाइम, फिर आगे टॉलरेंस इनपुटिंग वैल्यू मिक्सिंग परमिटर, ये टोटल ये सब आ गया, ये सेटिंग आ गया। फिर ये आ गया टेयर मारने के लिए, तीनों अपना गेट को टेयर मार सकते हैं, ठीक है। अब हम स्क्रीन पे आ जाते हैं, ये हमारा सेटिंग CP18 का टोटल सेटिंग ये है। अरे हम प्लांट चालू कर दिया, पहला बैच हम यहाँ से खोलेंगे, लिखा है मिक्सिंग अनलॉक। जैसे हमारा प्रिंट देना है, अभी जो गाड़ी निकल गया हमारा प्रिंट नहीं है, यहाँ टच करेंगे तो हमारा प्रिंट दे देगा, ये जो अभी जो सेम टू सेम गाड़ी निकला है उसका प्रिंट देगा ये।